हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपके बीच आज एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं और बात करेंगे आज एक सिंपल सा टॉपिक सीए फाइनल इनकम टैक्स में, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज का टैक्सेशन और इलेक्टोरल ट्रस्ट का टैक्सेशन। कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, एक दो इलस्ट्रेशन भी करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, सबसे ज्यादा ईजी टॉपिक अगर आप मेरे से पूछे तो शायद यही सबसे ईजी टॉपिक मैं कहूंगा आपको इस पूरे मतलब इनकम टैक्स में। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के टैक्सेशन के साथ। कोई भी दिक्कत आए, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपको लास्ट में अपना टेलीग्राम का लिंक और अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसपे आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। सेक्शन 13A होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज के टैक्सेशन का सेक्शन होता है सेक्शन 13A, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम होती है, ठीक है। तो पीजीबीपी की इनकम होगी पॉलिटिकल पार्टीज की, वो तो हमेशा टैक्सेबल रहेगी। कोई भी पीजीबीपी की इनकम अगर पॉलिटिकल पार्टीज की होगी तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, ये हमेशा याद रखना है, स्टार पॉइंट है ये। अगर बात करें हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम होती है, कोई भी कैपिटल गेन की इनकम होती है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम होती है, मतलब पीजीबीपी के अलावा अगर आपकी कोई भी इनकम है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे अदर सोर्सेज की हो, चाहे इंटरेस्ट हो, डोनेशन हो, कोई भी इनकम जो होगी वो सारी इनकम एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जेम्प्शन जो हमें मिल रही है वो तभी मिलेगी अगर ये कुछ कंडीशन है, चार कंडीशन है, अगर ये फुलफिल कर देता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। और कौन सी चार कंडीशंस है, अगर चार कंडीशंस में बात करें, सबसे पहली कंडीशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ठीक है। पहली कंडीशंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना है, साथ ही साथ उसको हर एक डोनेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो भी 20,000 से ऊपर आएगी। 20,000 से कोई भी ऊपर डोनेशन मिलती है अगर पॉलिटिकल पार्टी को तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है, ठीक है। एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से तो कोई भी मतलब लिमिट नहीं है, चाहे वो 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 26,000 हो, कितनी भी मिल रही हो, और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रही है तो वो हमारी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर कोई भी डोनेशन रिसीव हो रही है 2,000 से ऊपर, तो ये हमने पॉइंट बहुत जगह पढ़ा है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस से ही मिलना चाहिए, मतलब कैश से तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इनी मोड से मिलना चाहिए अगर 2,000 से ऊपर की डोनेशन मिल रही है। तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्या क्या पढ़ा हमने कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, कोई भी कैपिटल गेन की इनकम होगी हमारी, या कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम होगी, ये हमारी एग्जेम्प्ट होगी। सिर्फ एक पीजीबीपी की इनकम ऐसी है जो हमारी टैक्सेबल होगी, चाहे कुछ भी हो, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कोई एग्जेम्प्शन नहीं है। इन सबकी एग्जेम्प्शन कब मिलेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो, ठीक है। साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। साथ ही साथ कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको पता है कि डिडक्शन के दो सेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, 80GGB 80GGC, ठीक है। जीजीपी होता है कंपनीज के लिए, सी होता है अदर एसएससीज के लिए। अगर कोई भी डोनेशन करते हैं तो 100% डिडक्शन मिलती है हमें, किसको, जो भी मतलब एसएससी यहाँ पर डोनेशन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन वो अदर देन कैश होनी चाहिए। कैश में अगर पे करा है तो 1 रुपए भी, 1% भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये सब, ये था पूरा पॉलिटिकल पार्टी का क्रक्स, मतलब पूरा पॉलिटिकल पार्टी बस इतना ही है। इसके अलावा आपको अगर आप स्टडी मटेरियल भी देखेंगे तो कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ, बिल्कुल 100% बस इतना सा ही है पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 20,000 की लिमिट, ये 2,000 की लिमिट, साथ ही साथ ये तीन चार पॉइंट की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसी का एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, दो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, एक नहीं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से दो इलस्ट्रेशन है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 की बात करते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो मतलब आप स्टार मार्क अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एकमात्र जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूरी मतलब स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन है इसकी, तो इसका आंसर निकालते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए ये क्या कह रहा है, रेंट ऑफ लेट आउट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अगर डिपार्टमेंटल स्टोर लेट आउट किया है तो हमने क्या पढ़ा था, वो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा होगा एग्जेम्प्ट, ठीक है।
उसके बाद इंटरेस्ट, ये कौन सी हमारी इनकम होगी अदर सोर्सेज की, ये हमारी कौन सी हो गई हाउस प्रॉपर्टी की। तो हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट है, अदर सोर्सेज की इनकम भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिला है 21,000 रुपए, 21,000 मिला है बाय सीक्रेटेड देयर मेन। हमने क्या पढ़ा था कि 20,000 जो ऊपर की कोई भी डोनेशन होगी तो उसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब नाम ही सीक्रेट रख लिया है तो रिकॉर्ड तो मेंटेन किया नहीं है, और साथ ही साथ 20,000 से ऊपर भी है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये टैक्सेबल हो गई। उसके बाद ये क्या करा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है 25,000। अब मैंने क्या दिखाया था यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्टोरल ट्रस्ट से कितना भी मिला हो, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसको इरेज करके दिखा देता हूँ। ये क्या पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, समझ गए, ये चीज थी एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, तो इस वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारा, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल ट्रस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। ठीक है, उसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की बात करें, कैश कंट्रीब्यूशन 2000 से ऊपर है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, और यहाँ पर ये भी पीजीबीपी की इनकम है, ये तो हमारी, ये क्या है हमारी पीजीबीपी की इनकम है, तो ये भी हमारी फुल्ली टैक्सेबल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 21 + 21 + 3। कौन कौन से ऐड करें हमने, एक ये ऐड किया है, एक ये ऐड किया है, एक ये ऐड किया है, 21 + 21 + 3, ये हमारा क्या आएगा 45 लाख, ये हमारा आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, और उसके रीजंस क्या लिखने हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। हम ये देख, ये मान रहे हैं कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है और ये सब चीजें, मतलब फ्री कंडीशन ये सेटिस्फाई करके चल रहा है। तो ये था एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन, और एक 16 है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। 16 इलस्ट्रेशन में मेरे हिसाब से कुछ खास है भी नहीं, अगर मैं दिखाऊं आपको। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर 29A सेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी है, एक 25 मिल रहा है, किससे मिल रहा है, लेट आउट से मिल रहा है, यहाँ पर मतलब ये रेंट मिल रहा है हमें, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। यहाँ पर देखो, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगी अगर रिटर्न फाइल करी है टाइम से, यही सब जनरल से लिखा हुआ है, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। ये दो इलस्ट्रेशन दे रखी है एज पर न्यू स्टडी मटीरियल, सिर्फ यही था इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। और अगर आप बात करें इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है इलेक्टोरल ट्रस्ट की अगर बात करें, कोई भी हमें अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब मिल रही है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो वो पूरी एग्जेम्प्ट होगी इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जितनी भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इस साल का और पिछला, मतलब जो भी सरप्लस है दोनों का टोटल मिलाकर, अगर हम 95% हम पॉलिटिकल पार्टीज को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, और साथ ही साथ एज पर द सीजी के रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो यहाँ पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते ही वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी डोनेशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट में बाकी सभी इनकम उसकी टैक्सेबल है, सिर्फ एक डोनेशन को छोड़कर। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि पीजीबीपी के अलावा सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, पीजीबीपी टैक्सेबल थी, यहाँ पर सारी इनकम टैक्सेबल है एक्सेप्ट डोनेशन, और ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है। एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें बात करें तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ये मैनेजिंग द अफेयर्स, देखिए 95% तो उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन 5% जो है वो अपने यहाँ पर अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर अपने स्पेंड कर सकता है। ठीक है, 5% ऑफ द टोटल डोनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी भी कैप लगा रखी है 5 लाख फर्स्ट ईयर में और 3 लाख मैक्सिमम हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में कर सकते हैं। बस यही था इसके अंदर, एक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ एक ये 95% वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ थोड़े से मतलब बहुत ही इजी था, इसके अंदर और कुछ है भी नहीं। यहाँ पर एक ये है कि डीडी से मिलना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पॉइंट ड्राफ्ट से मिलना चाहिए, जो डोनर है वो पेन फर्निश करेगा, कुछ मतलब ऐसे कोई बहुत सिंपल सेट पॉइंट्स थे। पूरा अगर आप स्टडी मटेरियल खोल के देखेंगे तो सिर्फ ये एक पेज के अंदर ही है पूरा, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी का टैक्सेशन और इलेक्टोरल ट्रस्ट का, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं श्योर करता हूँ आपको। दो इलस्ट्रेशन थी ये हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सिंपल सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी।